नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य मोर्चा खोले हुए हैं। फेसबुक पोस्ट के बाद अब वो खुलकर सामने आ गई हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया था जो उन्हें सलाह दे रहे थे। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि अगर एक पिता के दूसरी पार्टी में शामिल होने पर बेटी को निशाना बनाया जाता है तो एक बहू का स्वागत क्यों। अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए संघमित्रा मौर्य ने कहा, मैंने बीजेपी को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन लोगों पर वार किया जो लगातार सलाह देते हैं। उन्होंने कहा, एक बेटी को निशाना बनाया जाता है अगर उसके पिता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर एक बहू का स्वागत क्यों। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी कभी भेद नहीं करती। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि वे महिलाओं को बहन जी और बेटी कहते हैं। पीएम मोदी मुझे बेटी समझते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक बेटी के रूप में हमेशा अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी रहूंगी और एक राजनेता के रूप में अपनी पार्टी के साथ रहूंगी। बता देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या संघमित्रा मौर्य भी सपा का दामन थामेंगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।